ओके यस बिल्कुल सो थोड़ा टाइम मैं आप लोगों का लूंगा। बच्चे कम है क्या? अच्छा हाँ जी, अब ज्वाइन हो रहे हैं सर ओके जी। सो मुझे राहुल भाई ने रिक्वेस्ट करी कि आप जाओ बच्चों से मिलके आओ, तो मैं आप लोगों से आज मिलने आया हूँ। थोड़ा मुझे आप लोग अपना फीडबैक दो, बताओ कैसा आपको लगा ये सेशन, कितना आपको समझ में आया, क्या आपके रिव्यूज हैं, क्योंकि ये रिव्यू सारे यूट्यूब पे जाएंगे, तो मुझे थोड़ा आपसे ठीक ढंग का अच्छा आशीर्वाद चाहिए और फीडबैक चाहिए जी। जी संध्या जी, जी डियर, जय गुरु जी। कहाँ से शुरू करें? अनीस भाई से शुरू करते हैं। पाकिस्तान की मिट्टी, पाकिस्तान की हवा, सब आ जाएगी हमारे पास। सही है। जय जी, गुरु जी सर, राधे राधे। जय गुरु जी अनीस भाई। कैसी राधे राधे डियर, राधे राधे। है आपकी तबीयत? मच बेटर डियर, मच बेटर। पर्सनल ईयर आज चल रहा है तो खेल तो खेलेगा जी ही। क्या और रखे सर? हम तो मानते हैं कि बिल्कुल हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सही है। बस तो आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा इस कोर्स में, थोड़ा बताओ अनीश भाई। मुझे आपका एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बस। अब आप अनम्यूट करो, अब आप अनम्यूट करो, और आपे सिंह जी आप भी अनम्यूट करो जी सर, जी। अनीश भाई अब आप बताएं, क्या आपको समझ में आया, मैं क्या आपको अच्छा लगा जी सर, मैं पाकिस्तान से हूँ जी। और एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, जी और न्यूरोलॉजी का भी कोर्स है मैंने संदीप सर से किया है, और जी इसके बाद जो है ये क्रोनोलॉजी का कोर्स हुआ था, तो ये एक एडवांस वर्जन है इसका, अपना न्यूरोलॉजी का। तो जी इसमें काफी चीजें डीपली एक साइंस है इसके अंदर छुपी, जो बिल्कुल कि करना लाजमी थी, और इससे काफी बेनिफिट आएंगे, क्योंकि किसी का नाम को नेम को करेक्शन करने के लिए बहुत डिजाइन, जब उसको डिजाइन करते हैं नेम को किसी, तो उसमें काफी सिनेरियो का ख्याल रखना पड़ता है, पक्की बात और है। इसके अंदर काफी सिनेरियो हैं क्रोनोलॉजी में, इससे मेडिकल भी देखा जाता है, काफी चीजें निकलती हैं इससे, तो बहुत बेहतरीन साइंस है ये। क्रोनोलॉजी लाजमी करनी होती है, आपका और माइक ये थोड़ा मैंने पास की। लेके आओ, माइक पास ले लो नीश भाई। माइक जी सर, आ रही है आवाज? अब आ रही, अब आ रही। तो ये मैंने किया न्यूरोलॉजी का, तो मैंने किया हुआ था, इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च भी की, फिर इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, और काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा ये जब क्रोनोलॉजी अटैच हो गई है, तो इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट आए, और सिर्फ नेम से ही प्रेडिक्शन अगर किसी की जाती है तो बहुत परफेक्ट जाती है, तो काफी अच्छे इसके रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चल के मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत काम देने वाली साइंस है, बिल्कुल और मैं ये कहूंगा कि आईपी सिंह के लिए कि संदीप सर अपने अंकों के प्लेटफॉर्म पर डायमंड लेकर आ रहे हैं, बंदे छान छान कर लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल डियर, बिल्कुल और जो कि सबके लिए यूजफुल होंगे, सबके लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे कारण एक ही हैं। अनिल और भाई कि हमने समझ में आया कि अंकों का खेल बहुत जबरदस्त है, चाहे वो प्रोनोलॉजी रियली सर, हो, चाहे वो दीपा मैडम की वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, चाहे अनामिका मैडम की वो क्या पढ़ाती है अनामिका मैम, एक और साइंस है पाइथागोरस, पैथागोरिया, पाइथागोरस। पैथागोरिया, हाँ तो वो पाइथागोरस हो गई, सैमसंग की हमारी प्रोनोलॉजी हो गई, वैदिक हो गई, मेरी चलेडियन सिस्टम हो गई, लोशोग्रिड हो गई, तो हर एक विद्या के अंदर, हर एक अंकों के खेल के अंदर आशीर्वाद है। हम नहीं कहते कि रियली आप सिर्फ एक साइंस से जुड़ो, आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि भैया ये उसके भी जबरदस्त रूप दे सकती है, बिल्कुल सीखो। सबसे बड़ी बात एक ही होती है, सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पाइथागोरस हो, चाहे वो चलेडियन सिस्टम हो, चाहे वो लोशोग्रिड हो, चाहे वो क्रोनोलॉजी हो, हर एक के अंदर आशीर्वाद है।
आप कैसे डीप रिसर्च करके उसमें से रिजल्ट लोगे, ये देखने वाली बात है। इन द एंड जी अमित सर, भाई, एक ही बात है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, रिजल्ट मैटर्स। बिल्कुल सर, 100% रिजल्ट है सर, आज की डेट में हर चीज। ना तो हम उर्दू में नाम लिखते हैं, ना हम हिंदी में नाम लिखते हैं, ना गुजराती में लिखते हैं, ना बंगाली में लिखते हैं, सब जगह अल्फाबेट आ गए ए टू जेड। उसी का ही सारा खेल है। जैसे आपने पूछा कि भैया ए अल्फाबेट वाले क्या होते हैं, जेड अल्फाबेट वाले क्या होते हैं, पी अल्फाबेट वाले क्या होते हैं, तो ये हर एक का आशीर्वाद है। किसी ने कोई भी नाम रखा है, उसको कैसे बैलेंस करना है, ये आपको आईपी सिंह सर ने मनीष मल्होत्रा बना दिया। पहले हम जो अपने ड्रेस डिजाइन करते थे, वो करते थे लोकल के अपना दर्जी से, टेलर से। ये विद्या सीखने के बाद आपको कहीं ना कहीं पे रियलाइज होगा कि आप मनीष मल्होत्रा बन गए हो। आप इसके अंदर जो है बहुत बहुत रिसर्च करी है, बहुत आपने इसके ऊपर मेहनत करी, और आईपी सिंह सर ने पिछले 3 सालों में बहुत इसके ऊपर थ्योरी करी, रिसर्च करी है। उसी का रिजल्ट आपको आज मिला इन पिछले 23 दिनों में। क्लास चल रही है प्रभु? हाँ जी सर, ये चौथा हफ्ता हो रहा है अपना। हाँ हाँ, तो वही पिछले 23-24 दिनों में जो जी, आपने डीप रिसर्च करी, उसका रिजल्ट आज आपको मिला। काम बहुत है अनीश भाई, और अब तो पूरा वर्ल्ड मार्केट है इस जून की वजह। बस टोटली सर मैं इसी में आ रहा हूँ फील्ड में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, हर एक को इन साइंस की जरूरत है। थैंक्स टू अरविंद सूद सर, थैंक्स टू आईपी सिंह सर, जिन्होंने इस विद्या को प्रमोट किया। अगर आईपी सिंह सर कहते भाई मैंने तो सीख लिया, मैं तो सिर्फ कंसल्टेशन दूंगा, हम क्या कर लेते? जी सर, कोई गारंटी नहीं है। अब आप भी चाहो, आप भी ऐसे कर सकते हो। आपको भाई साहब मैं तो नहीं पढ़ाता, मैं तो कंसल्टेशन लूंगा, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। एक अच्छा टीचर मिलना अपने आप में सोने पे सुहागा है। इस मामले में मैं बहुत गुरु जी का शुक्रगुजार करता हूं कि मुझे अरविंद सूद सर जैसा अच्छा टीचर मिला, उसके बाद आईपी सिंह जैसा अच्छा भाई मिला, दीपा मैडम जैसी अच्छी बहन मिली, राहुल और पद्मा जैसे अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र मिले, जिन्होंने लाइफ में 4 चांद लगा दिए। सिर्फ बस ये है कि आपने सीखा, अब उसको प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट करना है। लोग यही नहीं कर पाते अनीश भाई। जी सर, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपने लोगों की रहनुमाई करनी है, ये गाइडेंस एनालिसिस देनी है, करा तो है, बिल्कुल ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैंने प्रैक्टिस करी थी पहले न्यूमरोलॉजी पे, फिर मैंने कोर्स किया था सर, पहले प्रैक्टिस की थी मैंने। भाई, हमने तो इतना सिखा रखा है अपने वेबिनार में कि आप उसके अंदर जाओ, देखो, समझो, और अगर आपको लगे तो फिर भैया चाहे प्रोनोलॉजी सीखो, चाहे पाइथागोरस सीखो, चाहे वैदिक सीखो, चाहे लोशो ग्रिड सीखो, सब सिचुएशन ओपन है। सब सब में आशीर्वाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर ये एक और चीज बताइए, अरविंद सूद सर से वो आपका क्या पर्सनल एयर 5 चल रहा था जो आप कांटेक्ट हुए थे अरविंद सूद बिल्कुल सर, सर पर्सनल ईयर से? 5 खत्म हो रहा था 2011 में, और पर्सनल ईयर 12 मेरा 6 आया था जब मैं उनसे मिला था, क्योंकि मेरा कोर्स शुरू हुआ सर दिसंबर के महीने में और मेरा कोर्स मई 2012 में जाके खत्म हुआ था। 5 और 6 दोनों का आशीर्वाद था। तो 5-6 तो सर आपके फिर वो ही है ना, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बस उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तभी बिल्कुल 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 तो वहां पहुंचे, उनको खींच के ले गया 5 वहां पे, 6 ने सही कन्वेंशन बात, करा दी। यस सही कह रहे हैं। मैं सर से जुड़ा था तो जब मेरा 7 चल रहा था। बहुत अच्छा आशीर्वाद है, पढ़ाई का साल है। एजुकेशन का, रिसर्च का, तो जाहिर है मैंने रिसर्च की, और उसको ग्रेट, आज बहुत कुछ सीखा आईआईटी से, और बहुत कुछ इन्होंने दिया, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, आप खुद बिल्कुल, प्रैक्टिस करेंगे ऑल इसके डिपेंड ऊपर। अपॉन योर थॉट्स, योर फीलिंग, योर प्रैक्टिस।
500 200 ग्रिड के ऊपर, 500 आईपी सिंह सर की सिखाई हुई चीज के ऊपर वाइब्रेशन चेक करो, फर्क आ जाएगा। बिल्कुल, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे, प्रैक्टिस अभी भी जितने के क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो ऊपर है। मैं उसी लॉज को, उसी रूल्स को जो है ना कंसिडर कर रहा हूँ, और यस, वही चीजें निकालूं, बड़ी परफेक्ट निकल रही। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड बहुत बहुत वेरी गुड, धन्यवाद अनिश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक थैंक यू नीश यू भाई, भाई, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू डियर। थैंक यू। राकेश भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जी गुरु जी। जी डियर, जी डियर। सर जैसे कि ये मेरा दो अकल का जर्नी सर से चालू, आईपी सिंह से, जी, क्योंकि जैसे कि मैंने उनका वेबिनार देखा और अनाउंस हुआ बेसिक का कोर्स, तो अपॉर्चुनिटी आया तो मैंने ग्रास्प कर लिया। क्योंकि फर्स्ट मैंने जो वेबिनार देखा था उसमें मेरा नाम का अल्फाबेट आया जो आर का, तो मैंने लिखा पूरा एक एक पूरा एक नोटबुक में, तो मैं पूरा रिलेट कर पाया उसमें से, इमोशनल एवरीथिंग ऐसा। तो बाद में और भी मेरे प्रियजनों का भी मैच हुआ, तो फिर मुझे लगा कि अभी इसमें आगे लेटर से इतना बता प्रेडिक्ट कर सकते तो और क्या होगा ये साइंस में। तो इसके लिए मैं बेसिक में एनरोल हो गया। बेसिक में भी सर रोज कुछ ना कुछ नया निकालते थे था एक एक ये, तो उससे और जिज्ञासा बढ़ गई कि अभी एडवांस में भी जाना चाहिए इसमें। फिर एडवांस के दौरान आपका भी कोर्स आया न्यूमरोलॉजी का, सोने पे सुहागा हो गया कि मुझे न्यूमरोलॉजी मालूम, मुझे बेसिक थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि जी जी आपके वेबिनार देखे थे मैंने काफी जी सब। तो ये कि आपका कोर्स और उनका कोर्स पैरेलल चलता, तो उससे एडवांस में भी थोड़ा सीखने, काफी सीखने मिला। जैसे कि आपके इधर आपने न्यूमरोलॉजी सिखाया, पर सर ने और एडवांस सिखाया उसमें कि कैसे लेटर्स को बैलेंस करना चाहिए, फिर साउंड वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए उसकी, प्लस नेम डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू डिजायर, जो आपके पास जो भी आ रहा है उस क्लाइंट हो या आपका खुद का मित्र हो, उसका डिजायर क्या है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए उसको। एक ही बात राकेश भाई, जो मैं भी कहता हूं, क्लाइंट की सुनो, क्लाइंट की सुनो, क्लाइंट की सुनो, यस बस सर, आपने क्लास में हमेशा वही बोला है सर, और बाकी बाद में उसके बात तो कहेंगे पर पहले उसकी बेचारे की तो बात सुन लो जिसने पैसे दिए। हाँ और उसमें क्या होता है, अपना ज्ञान ज्यादा हो जाता है ना, सबको क्या लगता है कि हम फटाफट बोल दे रहे हूँ, बस 100 मार्क्स का पेपर मिलता है ना जो फटाफट सॉल्व कर देते पॉलिटिशियन तो है नहीं जो हमें माइक मिल गया और हम स्पीच देनी शुरू कर दे। भाई हम तो कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेशन किस चीज की, उसके दुख तकलीफ की। हैं। यस, तो सर ने सिखाया कि डिजायर के अकॉर्डिंग ये नेम बैलेंस करना चाहिए, प्लस नेम भी सुंदर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दो, यहाँ दो चीज यहाँ डाल दो वहां डाल दो। बाद में सर ने बहुत एग्जांपल लिए कि प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हैं। सर ने मुझे एक वर्ड दिया था इसमें कि प्रोनाउंस करके दिखा है कैसा है, तो वो सर बहुत अच्छा सिखाया। प्लस एज अ ह्यूमन बीइंग सर इज द जेम, एकदम यस बहुत बहुत कुछ सिखाया सर उसमें। कितने बारी 7 है इनके पास। जैसे कि आपके जैसा आप भी गिवर हो, सर भी गिवर ही है एकदम। सर ने इसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में भी कितने सारे थोड़े बहुत पॉइंट्स, बहुत थोड़े बहुत नहीं बोलता हूँ, बहुत से पॉइंट दिखाए, स्विच वर्ड के बारे में, बाद में ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जेम के बारे में, जो हमें इतना मालूम नहीं था खाली। हाँ ये कोई बोलता था गुरु जी ये नंग पहन लो, तो हम पहन लेते थे पहले क्यों। बाद में दान के बारे में आपने भी दिखाया, उन्होंने भी दिखाया, और बहुत कुछ सिखाया एकदम। प्लस जो हम हमारी यहाँ क्वेरी बहुत ज्यादा होती थी, तो हम 12 बजे के बाद भी लेके आते थे, कभी सर कभी कुछ बोलते नहीं थे, सर बोले हाँ पूछो भाई पूछो जो पूछना है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर के पास कितनी बारी 7 है, तुमने पूछा सर से। मेरे ख्याल से 3 टाइम्स होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर सर को हम लोग बहुत परेशान किए, आफ्टर क्लास भी 12 बजे तक लेके आ जाते हैं सर को, जैसा ये जैसे कि हम लोग भी बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालना है, ऐसा ऐसा लग रहा था सबको। प्लस एक बात और एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जो क्लास की उनको मालूम है, सर ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया, जो कोई मैं कभी ला नहीं सकता था। से अभी इस दिवाली आई विल बी 53, तो मैं समझो मैं जो चेंज मेरे में आ नहीं सकता था, सर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, और सक्सेसफुली अभी तक मैं जा रहा हूँ। और सर को मालूम है किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ मैं, और रियली और टेस्टिमोनियल में मेरी वाइफ ने भी ये प्लेटफॉर्म पे आके दिया है, तो रियली आई एम ग्रेटफुल टू सर
उसने मेरे में जो चेंज मैं कभी लेके नहीं आ सकता था वो चेंज लेके आया मेरे में। और जरूर ये प्रोनोलॉजी का जैसे कि मैंने अभी किया है अभी कोर्स, प्रैक्टिस करना जरूरी है जैसे कि सर ने बताया, विदाउट कुछ नहीं होना चाहिए। सर ने बोला नाम भी मत चेंज करना 1 महीने के पहले, एकदम सर ने बताया। तो अभी पहले प्रैक्टिस करेंगे, सक्षम होंगे, बाद में आगे फील्ड में उतरेंगे उसमें एकदम ऐसा। एंड रियली ये अंकों का प्लेटफॉर्म जैसे अनिश भाई ने भी बताया कि आप डायमंड एक एक लेके आ दो, सर आप खुद ही एक पहले यू आर विद मैन विद द गोल्डन हार्ट एकदम दिस थिंग। क्योंकि मैंने लास्ट 2 साल में सर मैंने आपके वेबिनार में बताई हुई चीज मैंने पहले भी बताया आपको कि मैंने इम्प्लीमेंट करके जैसे कि ये पुआ नंबर का मैंने इम्प्लीमेंट करके मैंने बहुत कुछ हासिल किया है मैंने सर इसमें, और मैंने जिसको बताया उन्होंने भी हासिल किया है। तो आप भी अच्छे गिवर हो, बाद में ये प्लेटफॉर्म पे आते ही सर से बहुत कुछ सीखा। मैंने दीपा मैडम का भी कोर्स किया है, ऐसा लगता है अभी सुबह 21 डेज का वो मेडिटेशन का रेकी का चल रहा है, जल्दी उठने की आदत भी पड़ जाती है इसमें। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपके इधर वेराइटी है आपके इधर पूरा एकदम पूरा। यस यस और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जैसे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, आपके पास शायद ऐसे हो गए एकदम पूरे एकदम शायद बिल्कुल 50% बिल्कुल। हो गए एकदम सर। हम तो और उन्नीस, हम 9 को नहीं मानते, हम 19 को मानते हैं। यस यस सर। बिल्कुल बिल्कुल और मुझे लगता है कि आगे भी आपके काफी जो कोर्स करके विल बेनिफिट आर सेल्फ प्लस अदर पीपल, सेवा करके या वट एवर दिस थिंग इसमें। और रियली मालूम तो चलेगा ना राकेश भाई कि लाइफ के अंदर हम किस चीज से वंचित थे। बिल्कुल सर मैंने अभी जैसे आपने बोला 8 नंबर है, ऐसे मैंने एक 8 नंबर मेरे रिलेशन में सीवियर क्रिटिकल लड़का है छोटा सा, एज द एज ऑफ 22-23 बीमार हो गया। तो आपने जो जो रेमेडी बताई थी 108 रोटी की ये वो सब मैंने बताया और लोग कर रहे हैं, और होपफुली रिजल्ट अच्छा आ जाएगा सर। पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? आठ आठ उनका 8 चल रहा था लड़के का आगे का इसमें। प्रॉब्लम तो बिल्कुल ठीक है, 108 रोटी वाला उपाय करवाओ, 3 हफ्ते करवाओ, जरूर आशीर्वाद आ जाएगा, 3 टाइम्स करवाओ। थैंक यस यस थैंक यू यू सर, राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत थैंक बहुत यू, थैंक धन्यवाद भैया, बहुत बहुत यू धन्यवाद। राकेश जी, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। राम सावन जी, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। क्लास तो बहुत ही अच्छा हो गया सर। बिल्कुल सर हमारे लिए टीचर ने, राकेश और मेरे लिए तो गुरु है हमारे, तो गुरु हैं आपके, उनका, हाँ तो उनका और मेरा जो ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी था कहते सेम हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं सिखिज्म में कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, हम था। भी 1.25 लाख से एक वाला निकाल के लेके आए हैं। तो हम मेरा लाइफ में भी बहुत चेंज होने वाला है, हो रहा है, ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एडवाइस किया है, हमने प्रॉमिस किया है कि हम लोग चेंज होएंगे। प्रोनोलॉजी के बारे में और न्यूरोलॉजी के बारे में सवाल ही नहीं उनका पढ़ाने का। हम लोग ने बहुत क्वेश्चन पूछे, रात को 12-12 बजे तक पूछे, लेकिन कभी ये नहीं किया कि अभी नहीं कल करो, क्योंकि कोई कोई लोग तो आधा ही आंसर देते हैं, बाकी देते ही नहीं है, समझाते नहीं है, लेकिन उनका उन्होंने। एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। हाँ आप समझो कि अगर मैंने कोई चीज नहीं सीखी है या मैंने सीख ली है पर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं कहाँ से आंसर दूंगा? मुझे कम से कम जो है 3 महीने उसका सोल्यूशन ढूंढने में निकला कि जब मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर मेल का तो कुआ नंबर ये है, फीमेल का ये है, जो थर्ड जेंडर है उसका कुआ नंबर क्या होगा? ये क्वेश्चन कभी पिछले 9 साल में सुना नहीं अरे था भाई। कोई तो ऐसा होगा जो ना मेल है ना फीमेल है, उसका हाँ कुआ नंबर क्या बताओगे? डेट ऑफ बर्थ तो है, पर वो कहता है ना मैं फेल हूं ना मैं फीमेल हूं। तो ये दुनिया के एक्सपीरियंस करके समझ में आया कि भैया क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कैसे है। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है मेरे जी तरफ से और बाकी सबके तरफ से, एक जी महीने के बाद सर का एक क्लासेस ले लो कि हमारा कितना प्रोग्रेस हो गया, हमको जो भी डिफिकल्टी आया चाहे तो जी थोड़ा एनर्जी एक्शन भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन हमको कोई एक जरूरत नहीं उसकी। हम हाँ उसके ऊपर क्या लेकिन करते हैं कि कभी किसी हाँ संडे को प्रोग्राम बना के ना हाँ हाँ आईपीसी हाँ सर का जितने पुराने स्टूडेंट हैं सबको बुला लेंगे, क्योंकि देखो होता बिल्कुल है मीट एंड ग्रीट बहुत जरूरी होता है। हाँ वही वही बिल्कुल अब बात सारी ये आती है ना कि देखो आईपी सिंह सर ने भी किसी से सीखा, आईपी सिंह सर के भी 4-5 गुरु हैं जिनसे उन्होंने सीखा, स्पोर्ट तो वहां से किसी ने नहीं आया,
पुराने लोग एक बात कहते थे राम संपत जी कि आप मरिए तो स्वर्ग जाइए। अगर सही है, सही है। मुझे पानी पीना है और मेरे आसपास कोई चीज नहीं तो गड्ढा तो मुझे ही खोदना पड़ेगा ना, नहीं सही है। अच्छा तो मैं एक्सपीरियंस दे पाऊंगा कि भैया यहाँ पे गड्ढा खोदा, इतना फिट खोदा, मेरा पानी निकल आया। और अगर गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो किसी दिन पेट्रोल भी निकल आएगा। सही तो पर्पस है, सारा यही है कि जरूर हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जैसे मान लो बिल्कुल इनके 10 बैच हो गए हैं, 15 बैच हो गए हैं पिछले 1.5 साल ऑर्डर। में, तो हम उस हाँ सब बच्चों को बैनर बना के भेज देंगे मीट एंड ग्रीट का। ओके बिल्कुल तो कोशिश करेंगे सैटरडे या संडे जब आईपी सिंह सर अपना कहें, हम वहां पे 1 घंटे का या 1.5 घंटे का या 2 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, ताकि आप अपनी क्वेरी लेके आओ, सिंह सर अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे। जी वही चाहिए। थैंक जी यू। जी जय जय गुरु जी। थैंक गुरु जी, जय यू गुरु राम जी, थैंक यू राम सावन जी, जी। थैंक यू जी। जय गुरु जी चेतन भाई। जय गुरु जी सर, कैसा हो आप? बहुत बढ़िया डियर, तू बता, सब गुरु जी का आशीर्वाद। आज तो जबरदस्त लग रहा है। ग्रेट सो ग्रेट ग्रेट बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 1 वर्ड में या 5 मिनट में तो कोई खत्म करने वाली बात नहीं, क्योंकि आप दोनों ने एक एक महीना बीच पढ़ाया से हम लोगों को। निकले वो करने वाली बात। यस, बहुत बहुत सारी नई चीजें डेफिनेटली समझ में आती है। एक चीज जो समझ में आई है, एक एक पूरा महीना आपसे भी पढ़ा है, एक पूरा महीना सर से भी पढ़ा है, दोनों से एक चीज तो कंफर्म है, ये पढ़ लिया मैं बादशाह हो गया ये वाली बात नहीं है। नहीं हर दिन नई चीज सीखने को मिल रही है, बिल्कुल हर दिन मिल रही है। अभी मैं कुछ इंटरनेशनल लोगों के कांटेक्ट में हूँ, वो लोग जो चीज फॉलो करते हैं वो हमसे टोटली डिफरेंट है। ठीक है। हम जिस तरह हम वैसा बोलते हैं कि हम चाइनीज जो न्यूमरोलॉजी उसको फॉलो करते हैं, बट ठीक चाइना वाले भी डिफरेंट टेक्निक्स अभी वो लोग यूज कर रहे हैं। है यूएस यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं वो अलग ही तरीके से यूज कर रहे हैं। एंड अपेरेंटली जब हम क्रॉस चेक करते हैं डेटा को, बिल्कुल तो वो भी मैच हो रहा है। सो यहाँ पर एक चीज तो मुझे समझ में आई कि दिस इज नॉट लाइक हमने सीख लिया, हमें आ गया और हमें सब कुछ पता है। नो, बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। हर दिन नई चीज सीखने को मिल रही है, और ये जितना डूबोगे ये महासागर है। जितना आप और बढ़ाते जाओगे उतना आपके हाँ, लिए जैकपॉट मिलता जाएगा। एग्जैक्टली ये महासागर है, जितनी बाल्टी भर सको भरो, और ये हर दिन का वो नॉलेज, हर दिन अपने आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक नई चीज मुझे जो सीखने में आई है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर कोई 28 को उसका बर्थ डेट है, बाकी कुछ नहीं, अगर 28 को पैदा हुआ है, उसको पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी लाइफ में, वो नसीब में लिखा के आया कि इसके पास पैसे आएंगे ही आएंगे। और मैंने कम से कम, अभी मेरे पास पूरी लिस्ट है, कम से कम 5, मैं क्योंकि मुझे सब कुछ सिखाया जाता है तो मैं खुद लिस्ट बनाता हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर लेता। हो ना हाँ है रिसर्च। ना। मैं खुद अपनी रिसर्च करता हूँ कि अच्छा ये वैलिड है या नहीं है। सेम चीज 29 की है, अगर 29 को किसी का बर्थ हुआ या किसी की शादी है तो उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी ही आनी है फॉर नहीं श्योर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे हम अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो एक सिंगल वर्ड से हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, बट मतलब अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम किस चीज को फॉलो करें। बट यहीं पर हमारी ही टेक्निक हमें ये काम आएगी कि हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। यस आपने एक जो संदीप संदीप सर जो बोलते हैं कि क्लाइंट का सुनो, परफेक्ट चीज है ये। क्लाइंट क्या चाहता है हमसे, हमें वही आंसर देना है, क्योंकि अगर हम उसको बताने जाएंगे ना तो 1 वीक भी कम पड़ेगा, हम बोलते यस जाएंगे वो सुनता रहेगा। एग्जैक्टली वही चीज हमें फॉलो करनी है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और हम वो कैसे फुलफिल करें। बिल्कुल अगर बहुत सारी चीजें बीच में, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसमें मैंने सर को भी बताया था कि लिटरली मेरा सर दर्द कर रहा था कि ये बहुत हैवी हो रहा है, ये इतना कैलकुलेशन। एक पॉइंट पे तो मैंने सर को पूछा कि सर इतनी रिक्वायरमेंट है क्या, बट उसी बिल्कुल टाइम पे मुझे आंसर ये भी यही आंसर मिला था कि रिक्वायरमेंट कहाँ पर क्या करनी है आपको ही डिसाइड करना है, हर यस चीज हर जगह पर फॉलो नहीं होती है। करेक्ट, परफेक्ट उसमें भी सर ने ही खुद का एग्जाम्पल लिया था, जैसे फर्स्ट वर्ड उनका 8 नंबर का है। अभी सर खुद हमें पढ़ाता है कि भाई हमें स्टार्टिंग में अच्छा नंबर लेना है, इंजिन अच्छा लेना है,
बट उन्होंने इट लिया, उसका भी कुछ रीजन था। यस गॉड ऑफ ग्रेस इनको मिल गया ना, हाँ एग्जैक्टली exactly. लो इनका नाम जेड से शुरू होता तो इसमें क्या कर लेते ये? बात सो ये है कि भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहां से क्या, अब इनके पास ऑलरेडी 5 नंबर है, ये इनको गुरुजी का आशीर्वाद मांग के मिला। हमें यही तो समझना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल यस 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 उसकी भाषा ही समझ में आएगी, उसको उसकी क्वेरी का आंसर मिलेगा, तभी वो दिल से हमारे साथ अटैच हो पाएगा। ये कोई गलत करेक्ट नहीं है कि श्योर श्योर रिजल्ट हम दे सकते हैं, ऐसा होता तो शायद 12 साल के अंदर आज मैं कम से कम 100 करोड़ का आदमी होता और मैं सिर्फ कंसल्टेशन दे रहा होता। सही बात है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करे जाओ, टेस्टिमोनियल क्रिएट करे जाओ, आंसर जरूर मिलेगा और डेफिनेटली रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप खुद नहीं सोच सकते। परफेक्ट यस टोटली टोटली एग्री। और एक वही वही रीजन है कि जितनी भी नॉलेज हमें मिल सके जहां से भी हमें वही वही अगेन मैं वही बोलूंगा, जहां भी बाल्टी हम भर सके सबको भर लेना चाहिए। शायद वही रीजन है कि मैंने आपका भी कोर्स किया, सर का भी कोर्स किया, वैदिक भी अभी कर रहा हूँ और कुछ नई चीजें भी एक्स्ट्रा भी सीख रहा हूँ। सो सी मेरा मेन, अब मुझे अगर कोई बोले मेरा मेन फ्यूचर क्या है, मैं इसमें देख रहा हूँ नहीं, बट वाई नॉट, कल जाके कुछ भी हो सकता है ये ना बिल्कुल या सो हाँ चेतन भाई की देख। अब अगर तू अपने कोई बुक लिखता है, तेरे अपने वर्ड्स होंगे, आईपी सिंह सर अपनी बुक लिखते हैं, उनके अपने वर्ड्स होंगे, अनिश बिल्कुल भाई अपनी बुक लिखते हैं, उनके अपने वर्ड्स होंगे, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। राकेश भाई बुक लिखेंगे, उनकी अपनी थ्योरी होगी। अब वो क्या होगा, 5 दिमाग अलग अलग यूज हो रही है। मैं नहीं सही है कहा कि भैया वो जो दिमाग लगा रहे हैं वो गलत है, वो कोई बात नहीं है, वो उनकी अपनी थ्योरी है, लेकिन टीचर वो होना चाहिए जो हर चीज को बैलेंस करके चले। जो हमने सीखा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, चलेडियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वो तीनों साइंस अलग अलग थी, बट हैट्स ऑफ टू अरविंद सूद सर, उन्होंने तीनों का मिश्रण करके दिया। आईपी सिंह सर ने 4 टीचरों से या 5 टीचरों से सीखा, फिर उन्होंने अपना ब्लेंड बनाया, थोड़ी यस ब्लू लेबल डाली, थोड़ी सी रेड लेबल डाली, थोड़ी सी डाली, ताकि भैया झंडा भी तो लगना चाहिए था वो। सही है मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, जो गुरु होता है एक पेड़ की तरह होता है, वो पेड़ में से जो फ्रूट्स है हमें वही ले लेने चाहिए। करेक्ट। और बल्ले बल्ले मतलब सर की भाषा में बोले तो सो अगेन मैं इनको पढ़ाता था, मैं क्या हर रोज नया सांप निकलेगा। ये एक दिन बोले कहता सर आज तो अजगर निकलने शुरू हो गए, मतलब हर रोज कुछ नया। वही बात है कि आप हर रोज कुछ नया सीखते हो, बिल्कुल बिल्कुल सीखने की ललत होनी चाहिए आपके अंदर। तो यस 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 आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने अपनी बेटी की। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को अगले 10 साल में कहाँ देखते हो, कहाँ नहीं देखते हो। यस मुझे समझ में आया कि भैया बेजान दारू वाला अपनी फील्ड में राजा, अरविंद सूसर अपनी फील्ड में राजा, जुमानी भाई साहब अपनी फील्ड में राजा, तो मैं कहा यार मैं भी एक ही चीज को पकड़ ले कर लूंगा ना। लेकिन मेरे को समझ में आया कि भैया प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। स्कूल में जाते थे चेतन भाई तो क्या साइंस का, मैथ्स का, फिजिक्स का, सोशियोलॉजी का, योगा का, सबका टीचर एक ही होता था? नो अलग अलग भाई मैथ्स वाली मैडम अलग आएगी, साइंस वाले टीचर अलग आएगा, इंग्लिश वाले सर अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड में राजा हैं, कोई थ्योरी हमने यूज करी। मेरे को लगता नहीं मेरा प्लेटफॉर्म है, हु इज आईपी सिंह, सही बात है तो मैं खर्च कर रहा हूं ना भैया, आप अपने बैठो। बट मेरे दिमाग में क्या था कि मेरे भाई मुझे अपने दोस्तों यारों को वर्ल्ड का बेस्ट टीचर देना है, वो सारी कहानी है। तो मैंने जिन जिन का एक्सपीरियंस है समझा कि हाँ भाई ये गिवर है, दीपा मैडम 9-3 वाली, राहुल भाई 9-3 वाले, विजय दुबे भाई 77 वाला, आईपी सिंह सर 42 वाले, 777 लेके बैठे हैं। तो आप जब चीजों को देखोगे समझोगे भैया उनके पढ़ाने की ललक है कि नहीं है। भाई पैसे तो मिल रहे हैं, ललक नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप अपनी डीप रिसर्च करो, चीजों को एनालिसिस करो, और आईपी सिंह के अंदर भी वो पावर है, आपके अंदर भी वो पावर है कि आप भी आगे पढ़ा सकते हो डीप रिसर्च के साथ, बट आंसर देना आना चाहिए। अगर टीचर आंसर नहीं दे सकता तो वो किसी ना किसी टाइम पे आके फ्लॉप हो जाएगा, वो सिर्फ हवाई फायर कर रहा है बस। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली।
बस एक ही चीज अभी जो बाकी रही है वो है कुछ जो सर ने बताया कि जो बैड वर्ड है, बैड वर्ड इन द सेंस कि उसमें जो वाइब्रेशन है वो अच्छी नहीं है, उसके कुछ रियल एग्जाम्पल आज शायद हम करने वाले हैं, तो वो एक हमारा एक हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैं वापस आपको याद दिलाऊं तो END एक गलत वाइब्रेशन है उसका। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं आपने क्या बोला था कि उसका जो सेकंड लाइफ होता है दैट इज लाइक काफी डल रहता है, बट अभी मेरे पास कम से कम 10 नाम है जिसमें END है, एंड दैट लाइक मैंने फॉरेन के जानबूझ के नहीं लिए क्योंकि अब उनका हिसाब जो है ना वो अलग है, वो मैंने अलग देख लिया, सो उसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इंडियन मतलब इंडियन ओरिजिन वैसे लोग लेंगे। तो बट उनका लाइफ ना सेकेंड हाफ में भी अच्छा है, लेट्स कंसिडर कि 70 ईयर सिर्फ नाम लेने से बात नहीं बनेगी। एग्जैक्टली यस यस देखो, यस क्या आपने उनके साथ गुफ्तगू की? यस आपने क्या उनके ऊपर डीप रिसर्च करी? बिल्कुल हो सकता है कि उसको पैसा बहुत मिला हो, पर हो सकता है उसकी लाइफ में डिजीज बहुत ज्यादा आ गई हो, उसकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई हो। ईएनडी है क्या? सब कुछ ईएनडी तो है, एनडी तो है, लेकिन है उसके ऊपर डीप रिसर्च करोगे तो समझ में आएगा। वो तो हमारे अरविंद सूद सर का भी नाम ईएनडी है, वो भी ARVIND। लिस्ट में है, वो उनका लिस्ट तो काफी 40 के बाद जो है वो ईएनडी ने काम कर दिया, बट उसके साथ हमें समझना पड़ेगा उन्होंने और क्या चीज करी। बिल्कुल अंक खेल उन्होंने, वो अंक बोलते हैं उन्होंने बनाया, वो 5 पे आया, हाँ और डेस्टिनी साइंस उन्होंने बनाया, वो 6 पे आया, तो वो आशीर्वाद है ना यार। और उसके साथ उन्होंने काम करना बंद नहीं किया, हाँ शो मस्ट गो ऑन, वो सारी बात है। आप सिर्फ ये सोचो कि मैंने नाम प्रोनोलॉजी से भी चेंज कर लिया, शेलेडियन सिस्टम से भी चेंज कर लिया, और उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, और कर क्या रहे हो आप, बैठे सिर्फ शराब पी रहे हो भाई, रिजल्ट फिर नहीं आएगा। यस 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 करेक्ट करेक्ट भगवान वगैरह, भगवान वो लॉटरी लगा, लॉटरी लगा, एक दिन भगवान तुम्हें सोच रहे हो, ऐसे थोड़ी कहने आएगा कि लॉटरी की टिकट तो खरीद ले, भगवान के पास इतनी फुर्सत नहीं है। अब आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, उसमें से रिसर्च करके निकालना पड़ेगा, तो अगले बादशाह तुम ही हो। इससे इससे मुझे एक एक बात और याद आती है, जैसे आप कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम लेते रहते हो तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगले बादशाह शायद आप ही हो। चलो थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू सर, क्या हाल चाल मन्नू भाई? डियर प्रणाम, कैसे हैं सर आप? प्रणाम, जय गुरु जी, डियर जय गुरु जी। कोई मिलना नहीं हो पाया सर आपसे बात नहीं, बहुत और टाइम से। एक महीने की बस एक्सेम लास्ट बात है, अगले महीने शिफ्ट हाँ होना है, कल से व्हाइट वॉश या परसों से व्हाइट वॉश शुरू हो जाएगा, एक महीने की बात है। वो दिन आपका था, अगले दिन मेरे को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मैं नहीं आ पाया तब आपका वहां पे, तो फिर मैंने फोन भी नहीं कर पाया आप सर। कोई नहीं तो बस डियर, सर वही बात है जो अभी बात चल रही है, IP सिंह सर जैसे सर और जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे आए हैं, मैंने आपको उस दिन भी जब मिला था तो यही कहा था कि आपने इतनी डेडिकेशन से जो प्लेटफॉर्म लिया ना सर, यही अपने आप में सबके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म से इतने लोग तैयार कर रहे हैं और इतनी अच्छी शिक्षा देके कर रहे हैं ना कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो जिंदगी में कुछ ना कुछ उजागर लेके आएंगे ही आएंगे सर। ये बिल्कुल पता है बात क्या होती है बन्नू भाई, कि हम लोग ना किसी के पास जाते हैं, वो कहता है भाई साहब ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हमारा लॉजिकल माइंड कह रहा होता है भाई ये करने से क्या होगा वो करने से क्या होगा, पर हमसे डर जाते हैं, हम पूछते नहीं है कि भैया कल को ये बुरा ना मान जाए। तो जी सिखाना यही चीज का पर्पज है, कि आप सीखो समझो और इंप्लीमेंट करो। जब जी तक सर सीखोगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि भैया क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। मैंने जी समझा कि गाय को आलू खिलाओ, अब गाय को आलू क्या है, 2, 5, 8 अर्थ फैक्टर। अब जी जैनी लोग जो हमारे हैं वो कहते हैं भैया हम तो नहीं खिलाते, कोई बात नहीं आप चारा खिला दो, आप बिल्कुल ठीक है सर तो मत करो, जी सर आप उस विद्या से उस चीज से जुड़ के तो देखो आपके मन में जो आ रहा है, आप उस भाव के साथ जाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा। वरना मैं आपके सामने बैठा हूं, सिविल मेरा 225 हो गया था, 18 बैंकों का लोन था, जो बैंक ने मुझे कहा भाई पैसे भिजवा दो भिजवा दे भाई, और एकदम डिजास्टर, बट फिर भी रिकवर करा ना वो संदीप में डबल डी करने के बाद। जी जी सर, मनु, मैंने एक और चीज आपसे जो सीखी है फिर वो IP सिंह सर के कोर्स में और
पॉलिश हो गई, बट आपसे जो मैंने सीखा सर कि बंदे की जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप जो उसमें करते हैं, फिर जैसे आईपी सिंह सर ने बीच बीच में न्यूमरोलॉजी का हमें थोड़ा थोड़ा सा वो बताया, तो वो था वही जो आपने सिखाया है, बट क्या होता है वो बैक ऑफ द माइंड में कहीं सो जाता है, वो बार बार उसको जागृत करते रहे तो वो हमें उसको कोरिलेशन साथ में आता रहा प्रोनोलॉजी का और न्यूमरोलॉजी का, तो वो बहुत अच्छा इसके अंदर रहा। और जैसे अभी आपने कहा सर कि खाली नाम का, जैसे अभी वो एग्जाम्पल कर रहा था कि ये अभी बीच में सर एक बच्चा मेरे पास आया था, जब मैं एक डेढ़ महीने पहले की बात है, वो बच्चा आया तो जिसके थ्रू वो आया, मैंने उसको पूछा बच्चा ठीक ठाक है, बोला हाँ ये मेरे साथ, मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ सब कुछ ठीक है। मैंने कहा यार मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि सर मैंने थोड़ा ऑटिस्टिक बच्चों पे आरएनडी किया, आपको बताया था सर कि मेरे बेटे को खुद को माइल्ड ऑटिज्म है, तो मैंने कहा नहीं यार इसके अंदर तो ऑटिज्म के फैक्टर होने चाहिए, तो उसके फादर से बात की तो सर वो चीज मतलब 60-70% मैच हुई, कहा इसको पहले था, तो वही बात आपने जो बोला कि जब तक हम बात नहीं करेंगे उनसे शेयर नहीं करेंगे तो ऊपर की चीज अलग दिखती है, अंदर की लाइफ उसकी डेप्थ में क्या है वो उसके साथ बात करने से ही पता चलती है सर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सर ये प्रैक्टिकल चीज है सर एकदम ग्रेट सर। तो लास्ट में सर आपको और आईपी सिंह सर को और बाकी जिन जिन से भी हमने वो किया सर सबको चरण वंदना प्रणाम, और सर आपका बिल्कुल आभार हमारे ऊपर पूरी जिंदगी रहेगा ये कि आपने इतना अच्छा हमें टाइम भी दिया और बहुत सारी चीजें सर दी। मल्टीप्लाई तभी करो जितने लोगों को बांट सकते हो बांटो, जैसे मैंने कहा कि कुआ नंबर बांटो, आईपी सिंह सर ने 9 दिया, मैंने 15 दिया, जितना बांट सकते हो बांटो, कोई भार नहीं है जी। हम ये नहीं कह रहे कि मेरे भाई हमने जो तुम्हें दिया वो गुप्त ज्ञान है अपने पास रखना, नहीं बिल्कुल सर, बताया तो हर एक को बांटो, पता नहीं किसको भगवान क्या ब्लेसिंग देना चाहता है, पर तभी होगा ना जब उनको वो सुनाई देगा समझ में आएगा। बांटने से चीजें बढ़ती हैं कम नहीं होती, बिल्कुल ठीक है सर। वैसे उसके बीएनआई के मेंबर हम तो कहते हैं गिवर्स गेन, जितना दोगे उतना ही घूम के आएगा। मैंने तो स्टोरी भी सुनाई थी, कहां से आएगा हमें नहीं पता, वो नहीं पता हमें जी। लेकिन आएगा अवश्य 100%। मैंने देखा है कभी आप किसी के लिए कुछ अच्छा उसको बोलते हो तो उस दिन खुद का एक अंदर से खुद को भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आती हैं सर, मतलब खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। बहुत बार सर मैंने भी ये एक्सपीरियंस तो किया है और आप लोगों से ही सर बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो आज तक हमें शायद पता नहीं होगी, तो वो ये नहीं पता था कि उसका मतलब क्या है, उसकी चीजें क्या है। डिप्रेशन में चले गए हैं, इतने दुखों से गिर गए हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें अपने दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश की है। चींटियों की सेवा करो, काऊ की सेवा करो, डॉग्स की सेवा करो, घर की दो रोटी बन रही है कौओं को खिला दो दही के साथ, बस आशीर्वाद आ जाएगा जी। क्योंकि बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल माइंड था, इससे क्या होगा, अरे करके देखो ना यार, ठीक बात है सर, अपने आप समझ में आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने करके देख लिया मेरा काम हो गया, आईपी सिंह ने करके देख लिया आईपी सिंह का काम हो गया, आप लोग भी करके देख लो। बिल्कुल ठीक बात है सर, जब अगर आप कोई भी चीज को सर हम फेथ के साथ करते हैं तो उसका इफेक्ट उतना ही मल्टीप्लिकेशन में आता है सर, और कोई भी चीज हम डाउट के साथ करते हैं तो उसका इफेक्ट उतना ही डाउन हो जाता है। अब लोग कहते हैं रोटी खिलाने से होगा क्या, ना करके तो देखो यार। सर मैंने बहुत लोगों को दिया ऐसे आपसे जब किया तो, और उनको बहुत बहुत ही उसका पावरफुल, खास तौर से जब मेडिकल वाली चीज में, क्योंकि मंगल काम करता है बहुत स्ट्रॉन्गली सर, तो शनि और मंगल और उस करते हैं तो सर वो दोनों कंट्रोल होते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप सर, बहुत लोगों को उसका उसके बहुत लोगों को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स सर आए हैं उसके, सर बिल्कुल देखा है सर जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू मनु भाई, आपने सीखा आपने बहुत कुछ, मनु जी आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी। सर सर एक चीज है, एक मैंने ना कथा सुनी थी, दो मिनट में आपको बता देता हूँ, उसमें यह आया था कि गुरु कौन होता है सर, तो एक कहानी बताई कि एक पगडंडी पे किसान चल रहा था, वो दो मटके लेके चल रहा था सर, एक मटका तो पूरा ठीक था, एक में छोटा सा छेद था, तो जो छेद वाला मटका था ना वो उसने देखा कि रोड पे पानी वेस्ट जा रहा है, तो उसने उसका यूज क्या किया कि वो कच्ची रोड पे आ गया जहां पे खेत थे, कम से कम उसके पानी का यूज ठीक हो जाए। तो गुरु वही है, सदगुरु वही है जो शिष्य की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में डाल दे सर, तो वो चीज है सर, उस चीज में तो हम हमेशा सर आपके आप सब लोगों के आभारी रहेंगे, और खासतौर से सर के
जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जहाँ मतलब प्लेटर जो है ना बिना बिना इतनी मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, कि नहीं तो अगर हम ढूंढने जाएं तो शायद आईपी सिंह सर को ढूंढना मुश्किल था, दीपा मैडम को ढूंढना मुश्किल है, राहुल जी को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और वो इतने हेल्पफुल हैं कि वो हर एक के फोन पे तुरंत उसकी जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव कर देते हैं। तो वो चीजें जो सर कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के हमारे ऐसे कुछ लेन देन होते हैं कि जो जिस क्षण पे लिखा है उस क्षण पे हमारा मिलना हो जाता है सर। तो ये तो है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मनु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू महेंद्र जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सब। जय गुरु जी। जय गुरुदेव। कैसे हैं महेंद्र जी? अच्छा सब। ज्यादा दृष्टि है ऊपर वाले की। रेडियर वही रहनी चाहिए। बहुत अच्छा सर लगा, बहुत अच्छा सीखने को मिला मुझे। और मतलब काफी 25 दिन जो गए हैं, जो जीवन को बदलने वाले मतलब इस तरह से हैं ये। जी जी। और इसमें काफी चीजें सीखने को मिली है, और काफी इसमें अनुभव मिला। मैंने पहली बार मेडिकल कोर्स किया था नीतू त्रिपाठी मैम से पहले, इसके बाद सर का मैंने कोर्स किया भी। जी जी जी। और मजा आपकी बड़ी बात ये होती है, देखो कोर्स करने के पैसे दिए लेकिन मजा नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। नहीं बहुत अच्छा लगा सर, इतना मुझे लगा कि मतलब इसमें से डिवाइन की मतलब कुछ चीजें निकल निकल के आ रही। वो चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपने उसको समझा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। नहीं, कर रहा हूँ सर उसमें, कर रहा हूँ उसमें। और मतलब काफी मतलब ऊपर वाला भी किसी के मुख से मतलब बुलवाता है कुछ चीजों को, मतलब किसी को आए करता है वो बोलने के लिए, वो चीजें दूसरों को मिलती है चीजें। तो इस तरह से मतलब आई मीन सर ने जो सिखाया उनका जो मतलब लोगों को मोटिवेट करने का वो रहा, परिवर्तन लाने का, मतलब पढ़ाई अपनी जगह है पर उनमें चेंज लाने का जो रहा वो बहुत बड़ी चीज चिंती है अपने आप में। बिल्कुल। उससे काफी क्लास में भाग लिया, लोगों ने बहुत चेंज आए हैं उससे, लोगों को आए हैं। मैं भी देख रहा हूँ सब, मतलब सब सुन रहा हूँ उनसे, सब में काफी चेंजिंग आई है और काफी उनका मतलब हौसला बढ़ गया है मतलब चीजों में। वो हौसला तभी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब वर्किंग होगी। वर्किंग कर रहे हैं सर, वर्किंग कर रहे हैं पाई चीजें जो बिल्कुल, वरना आगे चलती रही हो तो सब। तो कहते हैं कि मेरा नाम अब इंद्रपाल सिंह नहीं है, आईपीएस ही है। लगा तो अभी मैंने क्या गलती कर दी, पर कोर होना पड़ेगा, उतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, मान ठानना पड़ेगा सर। सर का ये फॉर्मूला ठानना है, तो ठान लोगे तो जीत होगी ही होगी। यस, हमने ठानना है, यस हमने ठानना है तो तभी जीत होगी ही होगी, मानना नहीं है। यस सर का जी फार्मूला सबों ने पकड़ लिया सर क्लास में, ठानने वाला इसको चलना है क्लास में, बिल्कुल चलना है, 100% चलना है। मार्ग दर्शन सर आएंगे सब, आप लोगों सबको मिलता रहेगा जी। क्लियर बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वाह जी वाह, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। थैंक यू संध्या मैम। जय गुरु जी। आप ट्रेन में हैं, चाहे तो वीडियो बंद कर सकते हैं मैम। जय गुरु जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया संध्या मैम, आप बताएं। बस मैं भी ठीक हूँ सर, मैं भी ट्रैवलिंग कर रही हूँ। हो सके तो वीडियो बंद कर दीजिए। आ रही आवाज, आ रही है आपकी आवाज, ठीक आ जाएगी। वीडियो बंद कर दीजिए मैम। पहले तो थैंक यू। ओके सर। ओके जी मैम। हाँ अभी ठीक है? हाँ मच बेटर, मच बेटर सर। ये ओके सर, ये बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे आपका वेबिनार देखा था तो मुझे बहुत काफी अच्छा लगा सर। आप जिस तरह से पढ़ाते हैं या लोगों को सारी चीजें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मुझे बहुत ही जो बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा लगा चीजों को समझने का, उसको मतलब एक एक छोटी छोटी बातों को मतलब नॉलेज लेना, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से आप बताएं। फिर उसके बाद जो चीज हम तलाश रहे थे, मैं तलाश रही थी क्रोनोलॉजी का, कि नाम को कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सडनली सर आपने आईपी सर को अपने हमारे लाइफ में भेजे, बहुत बड़ा हमारे ऊपर मतलब क्या बोलूं, बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिए सर। सर ने
जी मैम बताइए बताइए। नेटवर्क इशू है ना, और ट्रेन ट्रेवल में कर रहे हैं ना, तो वहां नेटवर्क इशू था। संध्या मैम जय गुरु जी। तो बता नहीं सकते, हर एक एक वर्ड को उन्होंने उसके बारे में बताया है क्या? जी जी हाँ सर। हाँ जी मैम आवाज अब आ रही है, पहले बीच में आवाज कट गई थी। वही शायद नेटवर्क इशू है उनके साथ ना। ट्रैवल कर रहे हैं। विशाल भाई जय गुरु जी, क्या हाल चाल? जय गुरु जी विशाल। मेरा ये तीसरा कोर्स है संदीप जी आपके आपके चैनल के साथ, और बहुत मजा आ रहा है। पहले मैंने मोबाइल न्यूरोलॉजी सीखी, फिर मेडिकल सीखी, और फोनोलॉजी का डेमो लिया मैंने, और मतलब ये जो बातें मैंने पिछले 3-4 हफ्तों में सीखी और जानी है, ये मतलब अवेयरनेस कहीं और लोगों को पता ही नहीं है कि नाम से इतना कुछ हो सकता है, इतना कुछ निकल सकता है। अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और मैं खुद अगर ये पहले सुनता मैं शायद विश्वास भी नहीं करता। और आईपी सिंह जी ने कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से मतलब एग्जाम्पल दे दे के पेशेंटली सिखाया है, बहुत मजा आया। इट हैज बीन अ प्लेजर आपसे बात करके सिंह सर, और डेफिनेटली आई वॉन्ट टू कीप इन टच विद यू, और इट्स बीन अ ग्रेट लर्निंग। द लास्ट थ्री वीक्स हैज बीन फैंटास्टिक लर्निंग, आई ओपनिंग, और जो कंपाउंड नंबर के जो आपने प्रेडिक्शंस दिए हैं, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मैंने काफी, मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पास काफी नंबर पिछले 2-3 हफ्ते में आए, और मैंने अभी चेक और वेरीफाई भी किया है, एंड इट इज ग्रेट मैच। मतलब आज भी एक 28 नंबर वाला एक बंदा आया मेरे पास बोलने के लिए कि आई एम स्टक इन माई जॉब एंड आई एम नॉट गेटिंग प्रोग्रेस। मैं खोल के देखा बुक, 28 नंबर लिखा है क्लियरली, ही विल नॉट फाइंड एनी सक्सेस और प्रमोशन, ही विल गेट स्टक। कितना क्लैरिटी है, कितना मतलब भगवान की जो बोलते हैं ना डिवाइन, वहां से ऊपर से दिया है मैसेज। और मैं ये भी देख रहा हूँ सर कि जो सर सिखाते हैं वैसे केसेस सामने आ रहे हैं। अब ये उसकी इच्छा है नो डाउट, और वो कहते हैं ना यू आर इन द राइट प्लेस द राइट टाइम, वैसी कुछ बात बन गई। इट्स बीन अ प्लेजर, वेरी थैंक्सफुल। सबसे बड़ी बात ये है नानक दुखिया सब संसार, आप और मैं डाई हार्ड वाले की तरह राइट टाइम एट द राइट प्लेस है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो एस्ट्रोलॉजी का टाइम नहीं रहा। हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम कम से कम 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट अपनी तरफ से पैदा कर सके, वो सीखें समझें कि भैया ये कितनी बड़ी वाइब्रेशन है वर्ल्ड के लिए। आप देखो ना 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हम होते, कभी हमारा नाम इंडिया था ही नहीं, क्यों हमें इंडिया नाम दे दिया गया? उसका कोई सरकार नहीं था। पाकिस्तान को तो पाकिस्तान मिल जाता है, पर हमें भारत नहीं मिल पाता। भारत में चेन हुआ, तुर्की ने तुर्की कर लिया अपना, कलकत्ता ने कोलकाता कर लिया, मद्रास चेन्नई हो गया, तो भाई वो भी तो सब चीजें हो रही हैं। तो भाई वो मिलना चाहिए कि भैया इसको भारत कर दो वापस। जब कनाडा 15 पे जाके तरक्की कर सकता है, चाइना 15 पे जाके तरक्की कर सकता है, भाई हम भी करके दिखा देंगे। चलो वो समझने वाली है कि अगर है ऐसा तो बिल्कुल उसका आशीर्वाद आएगा, बट वो प्रैक्टिस करनी अब जैसे हमें नहीं पता, कल को हो सकता है मन्नू भाई जैसे हैं, उन्होंने फोटो लगा रखी है मोदी जी के साथ, शायद मन्नू भाई किसी दिन बात पहचा दे कि जी इसको भारत कर दो, शायद आशीर्वाद आ जाए। सर बात हो रही है, और एक लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये तथ्य के आधार पर बोला गया है कि इंडिया के अंदर जो DI की साउंड है उसको स्पेसिफाई करा कि DI की जो साउंड है वो बहुत डेंजरस साउंड है उसकी एग्जांपल्स के साथ, तो उस पर बातचीत हो रही है। इस पर 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, और ये बहुत जल्दी गुड न्यूज आ जाएगी, इसको भारत डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ से। यस, और वो उसकी मैंने जब क्लास में पढ़ाया भी था तो मैंने तब भी ये पॉइंट बोला था, शायद किसी को याद होगा, DI की राकेश जी बोल रहे हैं। यस बिल्कुल जी, तो DI की, हाँ मैंने बोला था कि इस पे मीटिंग्स हो रही हैं, 2 बार हो चुकी हैं मेजर,
अभी लेकिन इसके ऊपर चल रही है बहुत ज्यादा बातें, और तथ्य के आधार पर बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या साउंड इसकी बैड है और क्या है। तो बहुत जल्दी हमारे को गुड न्यूज आ जाएगी, होपफुली नेक्स्ट बढ़िया, इलेक्शन के पहले पहले भारत हो जाएगा ये। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यस विशाल भाई। चीजें हैं पर किसी को मालूम ही नहीं था। बिल्कुल 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 ये साउथ इंडिया के लोग थे, वो कहीं अपने साथ ही ले गए। थैंक्स जी बिल्कुल टू जुमानी सर, जो पुराने उनके पापा थे, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वही इसको जागरूक करके लेके आएंगे। बंसीलाल जी हाँ जी जुमानी बिल्कुल भाई बिल्कुल जी बिल्कुल है, उनको वाकई थैंक्स होना चाहिए। थैंक्स नो टू डाउट विलियम वार्नर, मैं तो रोज रोज के उसको थैंक्स कहता हूं, जी उसने हमारी लाइफ चेंज करी। परफेक्ट हीरो के नाम पे हजारों बुक्स हैं, लाखों बुक्स हैं, उसे नहीं पता था, लेकिन CHEIRO 23 के 5 में लाके उसने हम सबका भला कर दिया। जी बिल्कुल जी सही है शायद उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1866, तो वर्किंग उसने तो हमारे लिए करी ना, अपने लिए थोड़ी करी, पर उसको आशीर्वाद ही मिला कि वो कीरो के नेम के स्पेलिंग 23 के 5 पे ले गया। सिर्फ वो समझना पड़ेगा कि भैया भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया, और भगवान ने तो कहा है कि भैया डीप रिसर्च करो ना, मैं तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो तो ये तुम्हारी डेस्टिनी है। जी। जी डियर, जी डियर, ऑल द बेस्ट विशाल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट, थैंक थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू यू, वेरी मच, वेरी ग्लैड टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ग्लैड टू द टीचर्स, थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम डियर, ऑलवेज वेलकम। कीर्ति थैंक यू विशाल जी, थैंक मैम, जय गुरु जी, जय गुरु जी सर जी, राधे राधे सर जी। राधे। सर मैं आज से 1.5-2 साल पहले मैं आपका जो वेबिनार आता था मैं वो देखती थी, वहीं से ही मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी ली, और उसके बाद भी आईपी सिंह सर का जो अप्रैल में क्लास हुआ था क्रोनोलॉजी का मैंने उसमें लिया, वो मैंने किया, उसके बाद फिर प्रोफेशनल कोर्स किया सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली हमको सर इसमें, और ऐसे ऐसे जानकारी मिली जो कभी सोचे ही नहीं थे कि नाम से, एक नाम से ये नाम हमको ये चीज दे सकता है, या नाम में ये चीज छुपे हुए हैं और हम ये कैसे इसको सुधारें ये हमारे लिए और बेहतर हो जाए फ्यूचर में हमारे लिए, ये सारी चीजें हमने सर से सीखी है सर, और अभी हमको अभी सर सीख लिए हैं, अभी प्रैक्टिस बचा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें और सुधार आ सके और जो भी प्रॉब्लम हो हम सर से पूछ सके। जी सर मजा आया पढ़ के या नहीं आया, या लगा कि सिर्फ पैसे वेस्ट हो गए? अरे नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं लगा सर, ऐसे ऐसे चीजें सुनने में मिली, जानकारी में मिली कि हम इंसान के हाव भाव देख के ही ये चीज बता सकते हैं कि उसमें कौन से ग्रह क्या कर रहे हैं और कौन से ग्रह क्या हो रहा है, यही चीज सर ने सारी चीजें बताई हैं हमें बिल्कुल, जी, और इसी को कहते कंपाउंड हैं मेक मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू। तो आप जी भी अपनी किटी पार्टी में, अपनी पार्टियों में, शादियों में देखो कौन कैसे बिहेव कर रहा है, और उसे बोलो क्या तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है या तुम्हारे नेम के स्पेलिंग ऐसे शुरू होते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। सर हो जाते हैं सर, अभी भी मतलब कुछ उनके बारे में बताओ तो बोलते हैं अरे तुमको कैसे मालूम चला ये, बिल्कुल मैं आपके नाम है ये ऐसे इसलिए पता चला मैडम ये मुझे, जी तो ये सारी चीजें होती हैं सर ये, और मैडम, काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वालों की कमी है। यस जी आज जो मार्केट है, जो हम न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट साइंस की बात करें तो ये 50,000 करोड़ की मार्केट है, लेकिन 2035 आते आते यही मार्केट 5 लाख करोड़ की हो जाएगी। जी अब आप सोचो कि संदीप भाई मैं तो घर जाके बैठ गई हूं, मुझे तो घर की सेवा करनी है, तो आपकी चॉइस है। अगर आप दिन में 4 घंटे निकालते हो, प्रैक्टिस करते हो, फेसबुक पे आते हो, सोशल मीडिया पे अपने आप को लाके प्रमोट करते हो, देखो कैसे आशीर्वाद आता है। आसान जी क्वेश्चन सर की मैडम, आईपी सिंह सर के लिए भी उतना मुश्किल था, मेरे लिए भी उतना मुश्किल था जितना मुश्किल अरविंद सूद सर के लिए था, जितना मुश्किल बंसीलाल जुमानी जी के लिए था, जी क्योंकि सबने 0 से ही स्टार्ट करा है मैडम। जी सर कोई ऐसी विद्याओं को मानता नहीं है जब तक आपके टेस्टिमोनियल ना खड़े हो जाएं। तो जी या तो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए हर महीने का बजट लगा लो कि मुझे 5 लाख रुपए इस पे मार्केटिंग पे लगाना है, तो
तो अपने आप आप ब्रांड बन जाओगे, नहीं तो हमारी तरह हमने कोशिश की लोगों की हेल्प करें, लोगों को जागरूक करें, जितना लोग जागरूक होंगे उतना उनको विश्वास आता शुरू हो जाएगा। जी सर, घर का नंबर क्या लेना है, गाड़ी का नंबर क्या लेना है, अब बच्चा जो पैदा हुआ है वहां तो सबसे बढ़िया काम करती है प्रोनोलॉजी। जी, पहले दिन से ही हम उसको एक आशीर्वाद दे रहे हैं। जी सर, पहले उसके साथ ऑन की आवाज आ जाए तो बहुत बढ़िया, और नो की आवाज आ जाए, नो नू हो गया फिर नो, समझे ना। यस यस, यहाँ से तो कुछ भी नाम रखा जाता पर बुलाया वही जाता है फिर। जी, वही बुलाया जाता है, वही 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 काम खराब कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर सारी वही ही होगा। जान जानू सभी नाम पढ़ा दिए इनको तो क्या रिजल्ट बता दिया। बहुत अच्छी सर, सर ने बहुत कुछ पढ़ाया और बहुत कुछ दिया सर, हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली सर। जी सर, गुरु जी है मैम की, देखो मजा आना चाहिए पढ़ के, मजा आएगा तो तभी समझ में आएगा। जी, वरना तो क्या है, कॉपी रजिस्टर खोल लिया, भाई साहब ने आके नोट्स दे दिए, आपने नोट्स ले लिए, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, आपको समझ में नहीं आया। तभी हम पहले छोटा कोर्स लेके आते हैं कि आप एकदम बड़े पैसे मत खर्च करो, आप इसको समझो कि हम जो सीखने जा रहे हैं वो 4-5 दिन में हमारे लायक जरूरत है अभी या अगले 6 महीने के बाद होगी। और जिन जिन्होंने कोर्स किया उनको समझ में आया कि भैया ये विद्या सीखनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। कोई और जो अपने बारे में बताना चाहे प्लीज अपने हैंड रेज करें। रजनीत मैडम, आप तो पुराने साथी हैं आईपी सिंह सर के, क्या समझ में आया और क्या आपको लगा, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें। गुरुजी सर, जय गुरुजी मैम, जय गुरुजी। बहुत वर्थ इट कोर्स है, मतलब 1 महीना इतना अच्छा निकला, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, यस, नया नॉलेज, हर दिन ऐसे लगता था कि आज हम कुछ नया पढ़ के गए हैं, और इतना अपने आप को हम वो सारी चीजों से मतलब अपने आप को एनरिच कर रहे हैं, और इतना सब कुछ हमें सीखने को मिला, और आईपी सर ने इतने पेशेंटली, इतने तसल्ली से, इत्मीनान से एक एक के डाउट्स, जो जिन कई ऐसे भी थे जिनको न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स नहीं आते थे, तो उनको इतने अच्छे से इस क्लास में उनको बेसिक्स एक्सप्लेन करना, पेशेंटली उनको एक एक चीज समझाना, बहुत डिटेल में गए हैं, और शायद कुछ मतलब जो नहीं भी होगा कोर्स का पार्ट वो भी बोल बोल के कि सर हमें सब कुछ मतलब कि भाई ले लो, तुम जितनी नॉलेज ले सकते हो मुझसे, जितना आप सीख सकते हो सीखो, तो बहुत मतलब उन्होंने हमें नॉलेज देने की कोशिश करी है, और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हमारे आने वाले टाइम में हमें ये सब कुछ हमारे काम आने वाला है, तो बहुत मतलब थैंक यू, आपने इनको मतलब ऐसा मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म में जिससे कि ये हम सबको मतलब नॉलेज बांट सकते हैं, और बियॉन्ड मतलब जो इनके शायद कोर्स की लिमिटेशंस भी होंगे उनके बियॉन्ड भी वो बोलते रहे कि ये नहीं है पार्ट, फिर भी आप लिख लो सीख लो, तो बहुत दिया इन्होंने मतलब अपनी नॉलेज और अपना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होती है ब्लेंडिंग करना, ये हर बस की बात नहीं है, ये तब हो सकता है जब इन्होंने 4-5 गुरुओं से सीखा और उसको अपने वाइब्रेशन के हिसाब से मोल्ड करके आपको दी बेस्ट दिया है। जी सर, क्योंकि एक तो है कि इन्होंने जहां से सीखा उसको कॉपी करके पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दे, भैया मुझे भी समझ में नहीं आया, तुम्हें भी समझ में नहीं आया, तुम अपने घर में अपने घर, लेकिन जब इन्होंने 4-5 गुरुओं से सीखा उसको ब्लेंड करके जो बेस्ट आपको दिया है, आपकी क्वेरी वहां सॉल्व हुई है, मैचमेट हो जहां से इन्होंने सीखा, आपने भी वहीं से सीखा था, बट आप देखो आज इन्होंने अपने आप को और एजुकेट किया, और एजुकेट किया, फर्क ही आया बस। बिल्कुल बिल्कुल, पर आपकी भी जो सर नॉलेज है ना, मतलब वो जो आपने मुझे आज भी याद है, आप बहुत अच्छे ना हमारे को मतलब हमारी ब्रेन एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी कराते थे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देते थे
और बोलते थे निकालो फटाफट ड्राइवर कंडक्टर। फिर आपको याद है कि तीन सेलिब्रिटीज थे, शाहरुख खान, सलमान खान, उनके आपने नाम हमसे छुपा लिए और आपने फिर बोला कि बताओ अब इन तीनों में क्या, कौन गवर्नमेंट से काम निकलवाएगा, कौन ये, मतलब हमारे को ना ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते थे ना, मतलब मजा आ जाता था ऐसे सेशंस में कि जहाँ हमारी ऐसी एक्सरसाइज होती थी। तो बहुत अच्छा, मतलब सर आपकी भी जो नॉलेज है ना बहुत अच्छी, आपने हमें नॉलेज दी है। और मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहीं और से किया है, तो ऐसा होता था कि वो मुझसे मतलब बोलते थे कि तुम्हें शायद कुछ ज्यादा आता है, तुम मुझसे अपना शेयर करो कि क्या तुम्हारा सिलेबस में क्या था, तो मैंने उनको भी बताया। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा ज्यादा अच्छे से नॉलेज दी गई है उनसे ज्यादा, तो हमें उनसे ज्यादा बेटर मतलब हम नॉलेजेबल थे कि मैं उनको भी बता सकती थी कि भाई ऐसे ऐसे हमें बताया गया जो शायद उनको नहीं सिखाया गया था। मैडम मैं तो अरविंद सूद सर को फॉलो करता हूँ, एक ही बात है, या तो इश्क होता है या नहीं होता है। तो बात मैंने पकड़ ली भैया, कोई भी काम करना उसको इश्क करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, तो मुझे उस विद्या से इश्क हुआ, रिजल्ट आ गया। अब मुझे वास्तु से इश्क नहीं हुआ, मैं सिर्फ उसको काम करता हूँ, उसको इश्क हुआ है हमारे सुमित रावल को, आईपीसी सर को इश्क हुआ प्रोनोलॉजी से, उसका रिजल्ट। हर एक की अपनी अपनी लाइकिंग है। अब अमिताभ बच्चन है, उसके पास कोई नंबर नहीं है एक्टिंग की, पर उसको इश्क है एक्टिंग से, ऐसा सेकेंडरी थिंग है, वो आएगा ही आएगा, वो आपको नेम फेम भी देगा, बट तब है जब आपको कुछ आता हो, आप उसको प्रूव करके दिखाओगे। जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद आया रजनीत मैडम पढ़ के? सर बहुत अच्छा कोर्स था, बहुत अच्छा कोर्स था, वर्थ इट वाली फीलिंग, जैसे कि भाई आप कुछ सीख के निकले हो और आपने अपनी जो लाइन है उसमें कुछ और एडवांसमेंट कर ली, मतलब ये फील होता है कि आप अभी तक मतलब जो आपने सीखा उसी में आपने कुछ आगे और कुछ उसमें एड ऑन कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू, थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू, थैंक यू सर जी। और कोई जो आपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे हमारे साथ? बच्चे तो भी बहुत सारे हैं, बट शर्माना क्यों है यार, कैमरा बंद कर लो, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कैमरा बंद करके बता दो कि सर हमें तो ये दिक्कत आई है। सही बात है, नहीं समझ आया तो भी बताओ। और क्या, सही बात है, उंगलियां बराबर नहीं होती, कईयों को समझ में आया, कईयों को नहीं समझ में आया, तो जरूरी नहीं है कि सबको यही कहना कि भाई समझ में आया, जिसको नहीं आया वो भी आगे कह सकता है, हम उनके पास कहाँ गलती हुई, कहाँ उसके ऊपर और चीजों की जरूरत है, और अगर मजा आया तो बताओ कि मजा आया है। बिल्कुल सही है जी जी जी। आनंद जी, शर्मा जी, राज चौधरी जी, आप अभी हमारे साथ हैं पर आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं डियर जी। शर्मा मैम, जय गुरु जी। सर सूरज को कहा दीपक दिखाऊं? देखो दीपक का अपना काम है, सूरज का अपना काम है, तो ये 7 बजे के बाद सूरज अंकल चले जाते हैं और दीपक अंकल आ जाते हैं, पर मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा है और ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने आपके से मैंने कोई पहले कोर्स नहीं किया जी। और भगवान का भी शुक्र है कि उसने मुझे ऐसा दुख दिया कि जिसके कारण मैं इस तरफ भागी और वो दुख भी मेरे लिए जैसे बूंद बन गया जी। और मैडम अकेले आप नहीं हो, अगर आप मेरे जितने इस ग्रुप के अंदर बंदे बैठे हैं ना, आप जब उनकी बातें सुनोगे वो समझ में आएगा, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम, मुझे लाखों का नुकसान, आईपी सिंह सर को कहीं ना कहीं पे लाखों का नुकसान, काम के अंदर टेंशन, तो वो सबको भगवान ने कहीं ना कहीं दुख दिया, तभी हम इस लाइन में पहुंच पाएंगे। तो सर का मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका, और इनके छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ कि वो एक बहुत अच्छे और इनकी तरह ऊंचे उठें। yes, yes. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सीखा मैंने बहुत कुछ पर मुझे अभी भी लगता है कुछ कमी है, कुछ और
अभी चाहिए। जैसे मुझे पीडीएफ की इच्छा थी कि पीडीएफ हो तो शायद जो नोट्स मैं नहीं लिख पाई वो मुझे मिल जाए। और बहुत अच्छी तरह से मैं इनकी बार बार देखती हूँ तो हर दफा कुछ ना कुछ नया ही है। चेतन भाई कुछ कर इसके ऊपर यार, एक थोड़ा टाइम निकाल के इनकी पीडीएफ बना दे यार। इनके पास 3 नंबर नहीं है, तेरे पास 3 नंबर है, अगर कोशिश कर सकता जरा कर दे इनकी, जरा हेल्प कर दे, एक पीडीएफ बना ताकि आगे जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको भी आशीर्वाद मिले। चेतन भाई कोई नहीं, करते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। आज एक जैसे अपने ग्रुप में एक लड़का किसी ने लिखा कि 19 तारीख और 9वां महीना 2016 के लिए नाम बताओ, तो एकदम से ना करता है हाथ देखूं, करते करते एकदम से मुझे पता नहीं क्या दिखाई दिया कि उस बच्चे में फायर बहुत ज्यादा है। तो पांचों तत्व उसमें नजर आने लगे डेट ऑफ बर्थ में, मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे पहुंच गई। 1 नंबर है उसके पास 999 में, आप देखेंगे कि मैक्सिमम फायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इतने वाला होगा, बहुत जल्दबाजी करने वाला होगा। और इसके बाद वाटर अर्थ और अपनी बात सबसे ऊपर रखेगा, मेटल बहुत कम है तो उसमें बाकी चीजों की कमी होगी, तो मुझे लगता है कि उनको भी उपाय में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत कुछ चीजें होती है मैम, जो देखो होता क्या है ना, अब ये कहीं से हम सीख के आए हैं वो हमने ग्रेस्प करा, इसके बाद इन्होंने 2-4 टीचरों से और सीखा, इन्होंने उसके ऊपर और चीजों पे वर्किंग करी, तो ऐसे भी जर्नी चल रही है, ये कोई हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, हमने कॉमा लगाया है। जो जो आप जैसे स्टूडेंट हमें मिलेंगे अपनी राय देंगे तो जरूर उसके ऊपर और वर्किंग हो पाएगी। और अच्छा तो क्या एक सुपर से भी ऊपर शब्द कोई हो तो मुझे आता नहीं है, मतलब अच्छा तो था, सिर्फ एक ही था कि मैं रात में नहीं पढ़ सकती थी, उसके लिए मुझे हिम्मत करनी पड़ी, गड़बड़ हो जाती है रोज, मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। आपको तो उठने की याद नहीं है, मुझे तो जब मैंने 2011-12 में सीखा मुझे पहाड़गंज से पहले जाना पड़ता था इंदिरापुरम अपने ऑफिस की अटेंडेंस लगाने, फिर मैं वहां से गोली देके निकलता था रोहिणी के लिए, तो वहां से जो मेरा रास्ता था वो 42 किलोमीटर का था और फुल स्पीड में स्कूटर चलाना होता था क्योंकि आगे लड़कियां बैठती थी, लेडीज बैठती थी, पीछे की सीट जेंट्स की थी, और कई बार मैंने खड़े होकर टॉयलेट के बाहर खड़े हुए क्लास ली है क्योंकि 70 सीटें फुल हो जाती थी, जो पहले आगे बैठ गया बैठ गया। तो आपने किया हुआ 2008 में ना, मैंने किया है शुरुआत उनका गुस्सा भी देखा हुआ है, और क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी जी, बिल्कुल। और ये है कि ज्ञान का आरंभ तो हो गया था उसी समय, और मैंने पाइथागोरन वगैरह सब में सीखा, पर मुझे पता नहीं कुछ लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ और चाहिए, पता नहीं अंदर से लगता कुछ कमी है। एक जितने डीप रिसर्च करोगे उतना आप जागृत होते जाओगे, आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 3 और 7 का स्कोर अच्छा आ रहा होगा। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है पर जो है वो भी गलत है, पर ये है कि 12 और तीसरा महीना होने करके 2 तो 3 आ ही गए ना, चाहे वो ऑफिशियल है चाहे वो नहीं है, पर वो 3 का आशीर्वाद आ गया, तो इसलिए वो अपनी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, तभी तो वो कहते हैं कि गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर, तो आप इसी के अंदर मंथन करो आपको आशीर्वाद निकल आएगा। थैंक यू जी, नेटवर्क बात करना थोड़ा कठिन है, आवाज मिलेगी सर मेरी? बिल्कुल आ रही है डियर। सर सर ने बहुत अच्छे पढ़ाए, हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए मैं थोड़ा नहीं बात कर पा रहा हूँ, कोई भी डियर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जो है जी। और सभी लोगों ने सहयोग किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँ कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो है, और बहुत अच्छे से पढ़ाया। अभी एक टॉपिक तो छूट गया है, नेम बैलेंसिंग के अंदर बोले थे बताने को, वो भी नहीं शायद हो पाया, आगे करना कि आगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आगे कर लेंगे या कल बुलाओगे? अब देख लेंगे नेम बैलेंसिंग कौन सा आनंद जी, यंत्रा कुछ कह रहे हैं। हाँ 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 वो अभी है ना क्लासेस, अभी हमारी मैरो वास्तु की क्लासेस है उसके अंदर एक क्लास आएगी।
हमने इसे रिमाइंड कर दिया कि हो सकता कहीं ध्यान से उतर गया वो अभी नहीं वो उसने रिमाइंड नहीं किया नहीं नहीं वो नुमेरो वास्तु की अभी क्लासेस आएंगी उसके अंदर एक क्लास हमने ये डाली हुई है उसका पार्ट है अच्छा अच्छा जी जी बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू डियर थैंक यू जी जी अरे मैं तो देहात का रहने वाला हूँ उतना तो मुझे न्यूमरोलॉजी आती नहीं है आपसे हमने काफी हद तक तो कुछ सीखा जो है बिहार में और प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो खाली जाऊंगा तो प्रैक्टिस बिहार में इतने आईपीएस आईपीएस ऑफिसर दिए तो न्यूमरोलॉजिस्ट देगा जी 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 आप कृपा रहेगी तो अच्छा करेंगे बिल्कुल 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 तो और इम्प्लीमेंट करो देखो कैसे आशीर्वाद आता है हमारे है ना एक मंडल साहब आते हैं हर वेबिनार में वो भी तो बिहार से ही हैं अभी नेपाल सिचुएटेड है हाँ मंडल साहब है जो जी जी ग्रेट बहुत अच्छे से पढ़ाया जो है थैंक यू आनंद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सर जय सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों आपने बहुत दिल से इस कोर्स को सीखा समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया सिर्फ सीखना एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जैसे मैंने भी सीखा अरविंद सूद सर से और मेरे साथ अब तक 25,000 स्टूडेंट सीख चुके हैं बट अगर नेम फेम के मामले में आप देखोगे तो शायद 25 बच्चे भी मुश्किल से आपको दिखाई देंगे कारण उसका यही है कि वो जो 25 थे उन्होंने खाया पिया सोया देखा सिर्फ 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 न्यूमरोलॉजी बिल्कुल तो वो इसलिए उसके अध्ययन के कारण आगे पहुंच गए आप कहो कि भैया मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें बिजी हूं तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप वो करना ये जरूरी है आप इसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दो वरना ये चीज दिल से उतर जाएगी अरे छोड़ना सीखना था सीख लिया और उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी महान व्यक्ति से जाके कंसल्टेशन लेते हो तो उनके चार्जेस कम से कम जो है 25,000 रुपये हैं एक डेट ऑफ बर्थ के मैं एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ और अगर 4 बंदों की तो 1,00,000 रुपये दिए भाई आईपी सिंह सर ने 10,000 रुपये में सिखा दिया और क्या चाहिए आपने अपनी डेडिकेशन दी उन्होंने अपनी डेडिकेशन दी दोनों को मर्ज करके रिजल्ट आ जाएगा प्रैक्टिस क्यों है प्रैक्टिस इसीलिए तो है कि आपने उस कोर्स को सीखा समझा अब उसका टाइम है प्रैक्टिस करने का आसान कुछ नहीं है आसान अगर होता तो अरविंद सूद सर कब का अपना मकान ले चुके होते 22 साल वेट करा 22 साल वो किराए के मकान में रहे हैं अब जाके उन्होंने अपना मकान बनाया पर्सनल ईयर 1 में ड्राइवर उनका 4 है कंडक्टर उनका 2 है 22 साल के बाद आपकी ग्रिड में वो सर्वो सर्वा है आप और मैं उसको डिलीट नहीं कर सकते लेकिन उसमें से ही कैसे ब्लेसिंग्स निकालनी है यही इन न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज का आशीर्वाद है आपने सिर्फ उसको सीखना है समझना है और उस पर डीप रिसर्च करो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा बहुत अच्छा लगा दोस्तों आपसे बात करके आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कोई अगर हमसे फिर भी भूल चुक हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर से मिलवाते रहें और आने वाले टाइम में हो सकता है आप में से भी कोई टीचर बनना चाहे तो उसके लिए भी हम बिल्कुल आपके साथ जुड़े हुए हैं जी राकेश भाई सर एक मिनट इजाजत चाहता हूँ आपकी बिल्कुल प्रभु मनीषा शी वांट्स टू से समथिंग अबाउट आईपी सिंह जी मनीषा भाभी बताइए कैसे हैं आप नमस्ते सर कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हो सर एकदम बढ़िया मैम गुरुजी का आशीर्वाद बस मुझे इतना ही कहना है कि आप दोनों ने आईपी सिंह सर ने और आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया और इनका ये बहुत अच्छी तरह से शांत किया है आईपी सिंह सर ने एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट मैडम राकेश भाई 2-2 वाले हैं मैं तो इन 12 साल की रिसर्च में यही समझ पे आया कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2-4-8 है आपको वो दुखी 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 दिखाई देंगे
आईपीसी 24 वाले हैं, राकेश भाई 22 वाले हैं, मैं 81 वाला हूँ, बट कहीं ना कहीं पे इस न्यूमरोलॉजी का आशीर्वाद है जो आज आप थैंक्स भेज रहे हो। यही से आप देखो कि 6 महीने पहले आप और भाई राकेश भाई कितना डिप्रेशन में थे, कितनी टेंशन में थे, कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा था। थैंक्स टू न्यूमरोलॉजी, थैंक्स टू अरविंद सूद सर जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, थैंक्स टू जिनसे भी हमारे आईपी सिंह सर ने सीखा है, उन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया कि आज टेस्टिमोनियल आ रहे हैं। बात सारी ये है कि आपको दिल से फॉलो करना पड़ेगा, जो करेगा उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। इन्होंने सर दिल से फॉलो करा राकेश जी ने, दिल से जो आपने सिखाया और आईपी सिंह सर आया दिल से फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि आपने जो जो बोला है एक एक रेमिडीज करने की सर वो कर रहा हूँ धीरे धीरे सब एकदम। बिल्कुल सर बिल्कुल, और अगर आपको तकलीफ है मुझे तकलीफ है तो रेमिडीज से मुझे जुड़ना पड़ेगा। आपकी और मेरी तरह हम सबके ऊपर लोन की अगर प्रॉब्लम है तो हमें काउस की सेवा करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड कि हम कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में नहीं पैदा हुए, हम इंडिया में पैदा हुए हैं और हमारे को यहाँ पे गौ माता की सेवा करने का मौका मिला है। इसके लिए सर बहुत ही आभार, और रियली ये मेरा जर्नी मीन्स लगता है ये मेरा पर्सनल ईयर वन आया तभी आपसे जुड़ पाया, और रियली मेरे लाइफ में मैजिक हो गया ये एकदम, तो ऐसा कि रियली मीन्स मैं बोला अभी पहले मैं बहुत हंसता था, बीच में बंद ही हो गया था, वापिस मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, रियली इट इज फॉर माय डीप ऑफ डीप फॉर माय हार्ट। हंसी खुशी चेहरे पे मुस्कान पैसा सब कुछ आने वाला, मैं नहीं कह रहा कब आएगा वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी तक उसकी खोज में लगा हूं, बट आएगा ये सबसे बड़ी बात है सर, मुझे मालूम है आएगा क्योंकि सर ने बोला मानना नहीं छानना है, सर ने बोला हाथ दिखाते ढाई किलो का हथौड़ा हमने ठानना है मानना नहीं, मानना है, नहीं है। यस यस, जब मान लिया तो हार होगी ही होगी और जब ठान लिया तो जीत होगी ही होगी, तो हमने ठानना है। तो जब ये आप कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे हर रोज तो आप कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकते। आप ये छोड़ दो कि प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई, मेरे को लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, संदीप सर को कितनी आई, आपने भी देखी, सबने देखी, सब रोज देखते हैं, लेकिन मैंने एक चीज अपनी लाइफ में बना ली, अपने माइंड को दे दी कि मैंने माना नहीं कि प्रॉब्लम है, मैंने ये ठाना कि सोल्यूशन है। तो मैंने ठाना है सिर्फ कि ठानेंगे तो जीत होगी होगी, तो आज आपके सामने है सब कुछ, सर के सामने, सर से सीख के, सर के सामने बैठ के, क्योंकि मैंने ठाना, तो हमने ठानना है। प्रॉब्लम तो है, देखो प्रॉब्लम तो है, मैं हर रोज अपनी क्लास में हर रोज कहता था ये बात कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमने प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना, हमने सोल्यूशन पे फोकस करना है। तो सोल्यूशन क्या है उस पर हमेशा बात करनी है। मेरे पास क्लाइंट आता है, मैं उसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक बार सुनता हूँ, एक मिनट, उसके बाद नहीं मैं सुनता, उसके बाद मैं उसको करता हूँ तू चुप कर जा भाई, अब हम सोल्यूशन पे बात करेंगे, अब ये कर सोल्यूशन कैसे करना है वो उस पर बात करेंगे, प्रॉब्लम तो है उसको भूल जाओ। हम प्रॉब्लम को बार बार बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक्टिव हो गई, वो हमारे सर पे चढ़ गई, हमारे पे बोझ पड़ गया। प्रॉब्लम तो है लेकिन हमने क्या करना है, ठानना है कि जीत होगी ही होगी, और अवश्य हुई है सर। क्लास के अंदर 4 जनों ने प्रॉमिस किया था, उनमें से राकेश जी एक है, और राम सावंत जी हैं, आनंद जी हैं, विशाल जी हैं, सबने मतलब बात करी और इन्होंने एक ठाना, तो ठानने के मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर इनको रिजल्ट्स मिले। क्या बात है, क्या इन्होंने सिर्फ ठान लिया, माना नहीं, हार नहीं मानी, हमने ठाना है कि हमने जीतना ही जीतना है, तो इन्होंने प्रॉमिस किया और इन्होंने अपने ऊपर काम किया। सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज जानता हूं, आप किसी और से प्रॉमिस करते हो तो हमेशा तोड़ देते हो, हर बार तोड़ोगे, किसी से भी प्रॉमिस करोगे तोड़ोगे। जब आपने प्रॉमिस अपने आप से किया तो कभी नहीं तोड़ोगे, अपने आप को कोई धोखा नहीं देगा।
सर आपने मोटिवेट, सर आपने मोटिवेट किया मुझे हमेशा, हम सब लोग को, सबको सबको इसके लिए हम कर पाए सर एकदम इसके लिए। देखो बात यही है राकेश, मोटिवेट करना तो है, उन्होंने तो पूरे 24-25 बच्चे सबको करा है, लेकिन किन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया वो सबसे बड़ी बात है। हम स्कूल में भी तो पढ़ते थे, सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आते थे और सारे फेल भी नहीं होते थे, तो इम्प्लीमेंट किया वो फर्स्ट आ गया, जो सोचता रह गया वो 40% पे रह गया। जी विशाल जी, नहीं रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं, मैं देख सकता हूं कि जो इन्होंने कहा है अभी तक रिजल्ट चल रहे हैं। और एक बात और मैं कहता हूँ कि सर का और मेरा 2 और 4 कॉम्बिनेशन दोनों का तो एक कनेक्शन जो होता है वो बन गया उसी वक्त, बोला कि अच्छा तो फिर जो जो इन्होंने मोटिवेट किया और जो इन्होंने सिखाया, बोला चलो इस राह पर चल के देखते हैं। 4 दिन के अंदर आई सॉ चेंजेस, सो थैंकफुल थैंकफुल। सारी बात ये है कि समझ में आ गया है, फिर हाथ पे हाथ नहीं रखना, तो एक्शन का टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट, एक्शन लिया तो हमने विन किया, जीत गए हम, यस, और आगे भी जीतेंगे। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब छुट्टी करनी है बच्चों को, क्या करना है? छुट्टी करते हैं सर, और क्या, बच्चे भी अपना जाके आराम करें, कल जो पढ़ाना है पढ़ा देना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और क्या। थैंक्स अ लॉट टू ऑल, जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। मैं और आईपी सिंह भाई दोनों आप सबके बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आप लोगों ने इस कोर्स को किया, समझा और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो। क्लासेस जैसे भी है वो आईपी सिंह सर आपको अपडेट कर देंगे। आज की हमारी सिर्फ सबसे क्लास थी, हम चाहते थे कि आप बच्चों ने क्या सीखा क्या समझा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी जिक्र कर सकते हैं। परफेक्ट, आपने इस दिल को सीखा है और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात। जी सर, वास्तु का कोर्स कब से ला रहे हैं? राहुल से एक बड़ी बात कर ले, राहुल ही प्लानिंग कर रहा है यार अभी 3। अच्छा, शायद आज से या कल से वो भी कोर्स अगले हफ्ते से शायद आ जाएगा। सुमित सर की प्रॉब्लम क्या है ना, वो सिर्फ 4 दिन पढ़ाते हैं और बाकी दिन उनकी वास्तु विधि होती है, तो वो उस तक के अंदर हमें सब प्रोग्रेस करनी पड़ती है डियर, बट कोई दिक्कत नहीं है, राहुल भाई से एक बारी बात कर लेना आप। सर वो इसमें इंक्लूड है ना, वास्तु आप करवाना चाहते हैं? कौन से वाला, नुमेरो वास्तु? हां जी हां जी जी जी, वो या तो मैं कराऊंगा या सुमित सर करवाएंगे नुमेरो वास्तु। अच्छा, वो 3 दिन का कोर्स होगा, या सुमित भाई करवाएगा या मैं करवाऊंगा। ये इसी में इंक्लूडेड है क्या, ये जो हम कर रहे हैं सर, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी में इंक्लूडेड है? हां जी हां जी हां जी, यस। अच्छा अच्छा, सिंह सर जी एक एक सवाल था मुझे आपसे पूछना था, ये नेम एक्टिवेशन का कहीं मैंने मिस कर दिया है क्या, मतलब नेम एक्टिवेशन का कुछ आपने पढ़ाया है? नहीं यंत्रा, उसपे जो हमारी नुमेरो वास्तु की क्लास आएगी ना उसके अंदर हम एक क्लास लेंगे, उसमें आपको यंत्रा का पढ़ाया जाएगा प्रॉपर, और उसके अंदर ही एक्टिवेशन का भी आपको बताऊंगा। जी जी, उसी का मैं को इंतजार था, थैंक यू सर। हाँ हाँ, यस, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय गुरु जी टू ऑल, जय गुरु जी, थैंक यू सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे, गुड नाइट, राधे राधे, थैंक यू, थैंक यू, जय गुरु।